कितना दर्दनाक होगा किसी को जिंदा कॉकरोच खिलाकर मार देना। यह आदमी जबरदस्ती इस लड़के के मुंह को खोलता है और एक 18 सेंटीमीटर के ट्यूब को उसके मुंह में घुसा देता है। फिर वो लाल बैग से मांस खाने वाले कॉकरोच को निकालता है और ट्यूब के अंदर डाल देता है। कॉकरोच ट्यूब से होकर लड़की के पेट के अंदर जाने लगता है। वहीं एक दूसरा आदमी भी था जो ये सब देख रहा था। वो लड़की की हेल्प नहीं करता और डर कर अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगली बारी उसकी है। ये आदमी फिर उस ट्यूब को बाहर निकाल देता है और अपने हाथ से लड़की का मुंह बंद करता है जिससे वो उल्टी करके कॉकरोच को बाहर ना निकालते। जब लड़का उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो उल्टी करने लगती है लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं आते। लड़की दर्द से चीखने लगती है। तभी लड़की के दर्द को कम करने के लिए आदमी उसके पेट में चाकू भोंक देता है और चाकू को उसके पेट में घुमाने लगता है। फिर वो पेट के चमड़े को खींचकर सीने तक लाता है और फिर चाकू को उसकी पीठ से निकालकर वो अपने हाथों से लड़की के दिल को निकाल लेता है। लड़की खून की उल्टियां करती है और फिर वहीं मर जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये लड़की दोस्तों बहुत बुरी तरह से मरी है तो आप गलत है। देखिए, इस लड़की का नाम केट था और 20 साल पहले वो बहुत ही बदमाश लड़की थी। वो एक बार एक माइक नाम के लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है। माइक हिलने से भी डर रहा था। वहां दूसरे बच्चे भी होते हैं लेकिन कोई माइक की मदद नहीं करता। वो बच्चे माइक के मुंह को बंद कर देते हैं। माइक अपने आप को छुकाने की कोशिश करता है। उसका मुंह लाल हो गया था और आखिरकार कॉकरोच उसकी पीठ में चले जाते हैं। माइक को कुछ न करता देखकर केट कुछ जहरीले स्पाइडर्स लाती है और उन्हें माइक के सर में डाल देती है। वो मकड़ियां माइक के कान में घुस जाती हैं जिससे माइक दर्द से चिल्लाने लगता है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदमाश बच्चे माइक को पकड़ लेते हैं। वो पहले तो माइक के हाथों में कील ठोक देते हैं और फिर उसके चेहरे में बहुत सारे कीड़े मकौड़े डाल देते हैं। माइक दर्द से चिल्लाने लगता है पर सभी बच्चे उसे वहां पर अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक फिर से केट से मिलता है और केट उसे एक डरावनी जगह में ले जाती है और फिर उससे एक भूतिया घर के अंदर जाने को कहती है। माइक अंदर जाने से डरता था लेकिन केट उससे झूठ बोलती है कि अगर वो अंदर गया तो वो उसे किस करेगी। माइक उसकी बात पर विश्वास करके अंदर चला जाता है लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है एक साइको आदमी उसके मुंह को पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये बच्चे ये सब देख रहे थे लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वो वहां से डरकर अपने अपने घर भाग जाते हैं। और यहाँ ये साइको आदमी माइक को सुअर पालने वाली जगह पर बंद कर देता है और उसे मोटी चेन से बांध कर रखता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। उस साइको आदमी का नाम जॉन था जो माइक को खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है और उसे बहुत काम करवाता है। जब माइक ठीक से काम नहीं करता है तो वो माइक को टॉर्चर करता है। माइक को धीरे धीरे खाना खाता दे जॉन गुस्से में उसके पैर में चाकू घुसा देता है। एक रात दोस्तों माइक वहां से भाग निकलता है। वो घने जंगल में दौड़े जा रहा था लेकिन वो फिर से उसी घर के पास आ जाता है यानी कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब माइक उस डरावने घर में फिर से वापस आ जाता है। तब से हर रोज माइक एक्सरसाइज करने लगता है ताकि वो लंबा और ताकतवर हो सके जिससे वो अपना बदला ले पाएगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। माइक अब जवान हो चुका था। एक दिन जॉन और माइक में लड़ाई हो जाती है और जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक के एक पैर को चेन से बांधकर ऊपर लटका देता है और उसके नीचे गर्म पानी उबल रहा था। यहाँ माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है। इसी का फायदा उठाकर माइक चेन को तोड़कर आजाद हो जाता है और फिर जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को वैसे ही चेन से बांध कर लटका देता है। यहाँ पर माइक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे खोज रहे थे और कहीं उसके पेरेंट्स खोज ना लें, इसलिए जॉन ने उसके पेरेंट्स को जिंदा जलाकर मार डाला। ये जानकर माइक बहुत गुस्सा हो जाता है और चेन को नीचे करने लगता है जिससे जॉन गर्म पानी में गिर के मर जाता है। इसके बाद माइक जॉन के चेहरे के चमड़े को निकालकर उससे अपने लिए एक भयानक सा मास्क बनाता है। माइक के साथ ये सब बस उन चार बच्चों की वजह से हुआ था और अब माइक उनसे बदला लेना चाहता था। उन चार बच्चों में से दोस्तों एक जॉर्ज नाम का लड़का था। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सीक्रेट रूम में था। उसी रूम में दो लड़के और एक लड़की भी थी जिसमें से एक फिलिप नाम का लड़का अधमरी हालत में कोने में पड़ा हुआ था। जॉर्ज डरकर भागने के लिए उठता है पर वो देखता है कि उसके हाथ चेन से बंधा हुआ है। इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि इनके साथ ये सब कौन कर रहा है। जॉर्ज दीवार तोड़ने लगता है और ये देखकर एक दूसरा आदमी टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और दीवार खोदने लगता है जिससे उसका एक नाखून बाहर आ जाता है जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो दीवार नहीं खोद पाया इसलिए अब वो जमीन खोदने लगता है पर खोदते टाइम उसे जमीन के अंदर से इंसान की हड्डी मिलती है जिससे अब वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जॉर्ज की नजर ऊपर लगे कैमरा पर जाती है और वो कैमरा के सामने खड़े होकर गाली देने लगता है जिससे केट और टॉम बहुत डर जाते हैं और उससे चुप रहने को कहते हैं। तभी वहां माइक आ जाता है जो अपने चेहरे पर डरावना सा मास्क लगाए हुए था जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। माइक फिलिप को रूम के बीच में लाता है और केट को एक चाकू देता है
और उसे फिलिप की बॉडी को काटने के लिए कहता है। इसके बाद माइक जॉर्ज को भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज माइक पर ही हमला कर देता है। लेकिन माइक बहुत ही ताकतवर है, वो जॉर्ज को एक ही पंच में गिरा देता है। जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए वो केट को एक कॉकरोच खिलाता है। तभी जॉर्ज को एक ब्लेड मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटने लगता है। जब फिर से माइक रूम में आता है तो जॉर्ज उसके हाथ पर ब्लेड से हमला करके बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर का गेट बंद था। जॉर्ज चिमनी में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चिमनी बीच से टूट जाती है और जॉर्ज नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से उसी रूम में था और इस बार उसके हाथ में बड़ी सी चेन बंधी हुई थी। तभी माइक एक एक्स लेकर उनके पास आता है और एक्स को टॉम को देता है और टॉम को उस एक्स से जॉर्ज को मारने के लिए कहता है। टॉम जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देता है। फिर माइक कुछ कीले टॉम को देता है और जॉर्ज के हाथों में उन कीलों को ठोकने को कहता है। टॉम एक्स की मदद से जॉर्ज के हाथ में कीले ठोकने लगता है, जिससे दर्द के मारे जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाता है और दर्द के चलते फिर से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को तड़पता हुआ देखकर माइक को बहुत सुकून मिल रहा था और वो फिर से रूम से बाहर चला जाता है। जॉर्ज को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके अपने हाथ से उन कीलों को निकाल देता है। जब जॉर्ज का दर्द थोड़ा कम हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि यह आदमी कौन है और ये हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। तभी फिलिप बोलता है कि मैंने उसके हाथ में घोड़े का एक टैटू देखा है, जिससे जॉर्ज समझ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक है, जिससे हमने 20 साल पहले बहुत टॉर्चर किया था। वो सब माइक से माफी मांगने की सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए क्या होगा जब किसी इंसान के कान में बहुत सारी मकड़ी के अंडे अंदर डाल दिए जाए। माइक एक इंजेक्शन में येलो स्पाइडर के अंडे भर कर लाता है और जॉर्ज को उसे केट के कान में डालने के लिए कहता है। जब जॉर्ज ऐसा नहीं करता है तो वो केट को करंट शॉक देने लगता है। उसको तड़पता हुआ देखकर जॉर्ज मान जाता है और फिर वो कैट के कान में मकड़ी के अंडे डाल देता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो मर जाता है। उसके मरने के बाद दोस्तों वो अपने कमरे में आ जाता है और फिलिप की फोटो में क्रॉस का निशान लगा देता है। वो कैमरे में देखता है कि जॉर्ज और टॉम आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फिर से माइक उस सीक्रेट रूम में आता है। यहाँ जॉर्ज मरने की एक्टिंग कर रहा था और जैसे ही माइक उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और टॉम को उसे मारने को कहता है। केट भी माइक को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन माइक सबको मार के नीचे गिरा देता है और वो टॉम को पकड़ लेता है। वो केट को टॉम की आंख में मांस खाने वाले कीड़े डालने को कहता है। कीड़े उसकी आंख में घुसकर उसकी आंख को खा जाते हैं। माइक जॉर्ज को मारने ही वाला था कि केट उसे बचपन की बातें याद दिलाने लगती है, जिससे डरकर माइक वहां से भाग जाता है। टॉम की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जॉर्ज उसकी आंख निकाल देता है। दूसरी तरफ माइक अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने लगता है। सीक्रेट रूम की लाइट चिमचिमाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि फिर से माइक रूम में आ रहा है। टॉम अपनी सेफ्टी के लिए जॉर्ज से चाकू मांगता है, लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देती है, जिससे वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते जॉर्ज गलती से चाकू को टॉम के मुंह में घुसा देता है। जॉर्ज टॉम के मुंह से चाकू निकालता है और टॉम वहीं पे मर जाता है। इस दौरान केट जॉर्ज से चाकू छीन लेती है और उसकी तरफ चाकू करती है, लेकिन पीछे से आकर माइक उसके गले को पकड़ लेता है और उससे चाकू छीन लेता है। तभी जॉर्ज माइक से बोलता है कि हमें पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और अगर हमें पता होता कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो हम कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर माइक शांत हो जाता है और जॉर्ज उसके हाथ से चाकू ले लेता है, लेकिन तभी केट माइक के हाथ में दांत से काट लेती है। माइक जैसे ही पीछे मुड़ता है, जॉर्ज उस चाकू को माइक के पेट में घुसा देता है। जॉर्ज फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार माइक आगे मुड़ जाता है, जिससे चाकू केट की पीठ में घुस जाता है और फिर माइक केट की पीठ को फाड़कर उसे मार देता है। फिर माइक जॉर्ज को उसे मारने को कहता है। जॉर्ज को यकीन नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और वो वहां से डरकर भागने लगता है, लेकिन माइक उसके पीछे जाता है और उससे लड़ने लगता है। किसी तरह जॉर्ज उस घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जल्द ही माइक उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर जॉर्ज माइक को मारने से डर रहा था। तभी माइक उसे जमीन पर पटकता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी भी नहीं मारा तब मैं तुम्हारी बेटियों को पकड़ लूंगा और उन्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करूंगा। और वो जॉर्ज का गला दबाने लगता है। तभी जॉर्ज जमीन से चाकू उठाकर माइक पे वार कर देता है और माइक जमीन पे गिर जाता है और वो मरने लगता है। 10 साल के बाद जॉर्ज की दो बेटियां उसी जंगल में घूमने आती है। तभी अचानक से माइक उनके सामने आ जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप परेशान कर रहे हैं उसके अंदर एक गुस्सा पलता है और वो गुस्सा आगे चल के आपको खत्म कर सकता है।